नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोफाइल प्रोजेक्टर की। जो प्रोफाइल प्रोजेक्टर होता है बेसिकली, इसको हम लोग ऑप्टिकल कंपैरेटर बोलते हैं। दोस्तों, ऑप्टिकल कंपैरेटर का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्टिक्स के जो प्रिंसिपल पे काम करें और बेसिक जो दो सिमिलर थिंग्स हैं उनका कंपेरिजन करें। जैसे दो सिमिलर हमने कई कंपोनेंट बना लिए, उन दो सिमिलर कंपोनेंट्स को आपस में वो कंपेरिजन करने के लिए हम लोग चेक करें उनको कि बेसिकली उनकी आपके पास यहाँ पे डायमेंशन ठीक है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है। तो ये आपके पास प्रोफाइल प्रोजेक्टर का फिगर है और इसमें कहता है कि ये ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे बेस होता है। ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे बेस का मतलब है कि हम लोग ऑप्टिकल तरीके से जो आपके पास मैन्युफैक्चर पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स आपके बनेंगे उनका हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है कि ये बेसिक क्या फंक्शन करता है, क्या काम आता है आपके पास। इट इज़ यूज टू चेक द प्रोफाइल्स ऑफ कैम्स। कैम की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं हम लोग इससे। इससे हम लोग गियर्स चेक कर सकते हैं, गियर्स के आपके पास रूट क्रस्ट चेक कर सकते हैं हम लोग। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में आपके पास ये बहुत काम आता है और अदर जो भी मशीनरीज हैं उसके कोई कंपोनेंट्स बेसिकली हमें चेक करने तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। मेनली आपके पास ये जो आपका प्रोफाइल प्रोजेक्टर है किस किस को मेजर करता है, मेनली डायमीटर मेजर कर सकते हैं हम लोग। इससे हम लोग रेडियस मेजर कर सकते हैं और जो डायमेंशनल डाटाज हैं उसको हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर का कि इसके द्वारा हम लोग एक साथ दो चीजें साइमल्टेनियसली दो चीजें हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। इससे हम लोग लेंथ और विड्थ एक साथ मेजर कर सकते हैं, जबकि ये प्रोविजन ना तो माइक्रोमीटर में होता है ना ये प्रोविजन आपके पास वर्नियर कैलिपर में होता है। तो इसकी सहायता से इसको हम लोग एक तरह से 2D भी बोल सकते हैं कि दो चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली आपकी वो मेजर हो जाए। इसका वैसे तो डिसएडवांटेजेस बहुत कम होते हैं, बस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है जो कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर में आपका एडवांटेजेस होता है कि इसको हम लोग एक जगह से लेके दूसरी जगह पर उठा के चेक करने के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये काफ़ी भारी होता है और इसको एक जगह हम लोग स्टेबल करते हैं। तो हम लोग इस फिगर पे आते हैं, फिगर की बात करते हैं। आपके पास इसका जो बॉटम रहता है, इस बॉटम में आपके पास लाइट का सोर्स रहता है। लाइट यहाँ से हम लोग ऊपर की साइड भेजते हैं। ऊपर आपकी ये टेबल रहती है, ये जो टेबल रहती है इस टेबल को हम लोग अप एंड डाउन करने के लिए साइड में आपका एक हैंडल लगा रहता है, उस हैंडल की सहायता से इसको अप करते हैं और डाउन करते हैं हम लोग। जो टेबल होती है इसके ऊपर आपका ये जो स्पेसिमेन रखा हुआ है, ये स्पेसिमेन रखा होता है एक ट्रांसपेरेंट जो आपका मिरर है उसके ऊपर ये आपका रखा रहता है। तो इससे आपके नीचे से लाइट का सोर्स जो है वो लाइट इसके ऊपर मारता है। लाइट मारने के बाद ये आपका लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पे आपके पास जो ये वाला जो हिस्सा होता है, जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन के नीचे, इसके नीचे ये जो है आपके पास ये लेंसेज लगे हुए हैं और ये जो लेंसेज हैं यहाँ से आपके पास नीचे से रिफ्लेक्ट होके वो जो आपके पास लाइट का सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट का सोर्स डलता है। डलने के बाद आपका ये रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आता है तो यहाँ पे ये जो लेंसेज हैं ये मैग्नीफाई करते हैं और मैग्नीफाई होके फिर बेसिकली ये स्क्रीन पे आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिगर में आपके पास वो बड़ा होके थोड़ा शो हो जाता है। क्योंकि आपके पास प्रोफाइल जो है प्रोजेक्टर का बेसिक फंक्शन यही है कि कोई बहुत ही शॉर्ट चीज है उसकी प्रोफाइल बड़ी करके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या रहता है कि इसके जो बैक साइड है उसमें आपके पास जो चीज़ें जो कंपोनेंट्स आपके लगे रहते हैं, इसमें एक तो आपका लगा रहता है यहाँ पे प्रिज्म और प्रिज्म के बाद वो मिरर। तो वो पहले जो आपके पास लाइट का जो नीचे से सोर्स आएगा यहाँ से जो मैग्नीफाई होगा, मैग्नीफाई होने के बाद फिर ये प्रिज्म पे गिरेगा और जब प्रिज्म पे गिरेगा तो उसके बाद वो मिरर पे गिरेगा। मिरर पे गिरने के बाद आपके पास वो स्क्रीन पे शो करेगा। अब यहाँ पे जो ये साइड में आपको दोस्तों फिगर दिख रहा है, इस फिगर का जो फंक्शन है आपके पास, क्योंकि जो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपके पास इस तरह सर्कुलर रहती है और जो सर्कुलर स्क्रीन है आपके पास इसके अंदर आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। तो जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको आपको चेक करना है उसमें आपके पास। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑल पिन रख दी इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, उस ऑल पिन के आगे की जो पॉइंट होता है उसको चेक करना है बेसिकली, उसकी उसका डाया कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसको बड़ी इमेज करके एक बार इस एक्स एक्सिस पे अपर की साइड रख लेते हैं, फिर दूसरी बार उसको बेसिकली नीचे की साइड रख लेते हैं, फिर जो बीच का डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम लोग फाइंड करके और वो उसका डाया निकाल सकते हैं। इसी तरह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको बेसिकली हमें चेक करना है तो वो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था आपके पास प्रोफाइल प्रोजेक्टर।